एरवावी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन मेरा नाम पापोरी है बड़ी होकर मैं इंजीनियर बनूंगी इस पुस्तक में वो सारी चीजें हैं जिनका मैं बड़े होकर निर्माण करूंगी इसमें ना सिर्फ बड़े बड़े शब्द हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं बल्कि बहुत सारा रोमांच भी है तो आ जाइए इस सफर में मेरे साथ कहानी का शीर्षक है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ओरिजिनल स्टोरी व्हेन आई ग्रो अप बाय प्रियदर्शिनी गोगोई हिंदी में अनुवाद सदाफ जाफर चित्रांकन तारिक अजीज प्रकाशन प्रथम बुक्स कहानी सुना रही है असावरी दोषी और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.books-that-speak.com चलिए मिलते हैं पापोरी से जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करूंगी बड़ी और छोटी चीज़ें अजीब और हैरान करने वाली चीज़ें मैं उन सबके निर्माण में विज्ञान का प्रयोग करूंगी सबसे पहले मैं एक सेतु का निर्माण करूंगी फिर मैं एक ऊंचा सा मीनार बनाऊंगी फिर मैं दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनाऊंगी जो मेरे कमरे से शुरू होकर सीधा चांद तक जाएगी जब मैं इन संरचनाओं का निर्माण करूंगी मैं सिविल इंजीनियर बन जाऊंगी मैं इंजन का भी निर्माण करूंगी कुछ इंजन रॉकेट में लगाए जाएंगे और कुछ हवाई जहाज में ये हवाई जहाज हमें कई देशों के सफर पर ले जाएंगे और रॉकेट हमें सीधा मंगल ग्रह पर ले जाएगा मेरी सारी यात्राओं पर मेरी अनेडेऊ यानी नानी भी साथ चलेगी जब मैं उड़ान भरने के लिए सहायक इंजन का निर्माण करूंगी तो मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर बन जाऊंगी मैं समुंदर के भीतर यात्रा करने वाला वाहन बनाऊंगी वो इस्पात और लोहे का बना होगा और बहुत तेजी से सफर तय करेगा हम विभिन्न मछलियां शार्क और व्हेल के साथ तैरेंगे धीरे चल पापोरी अनेडेऊ कहेगी मगर मन ही मन वो भी इस सफर का आनंद लेगी जब मैं पनडुब्बियों का निर्माण करूंगी मैं मरीन इंजीनियर बन जाऊंगी मगर मैं सिर्फ इतने पर नहीं रुकूंगी मैं छोटे कणों से बिजली का उत्पादन करूंगी एक नन्हा सा कण पूरे गांव को रोशन कर देगा अनेडेऊ तो इतनी खुश हो जाएगी कि बड़े भोज का आयोजन कर देगी जब मैं ऐसे ऊर्जा का उत्पादन करूंगी मैं न्यूक्लियर इंजीनियर बन जाऊंगी मैं इतने में ही नहीं थमूंगी मैं एक रोबो भी बनाऊंगी उसका नाम होगा गोगो गोगो और मैं कई रोमांचक काम साथ मिलकर करेंगे हम दीवारों को रंगेंगे और बर्तन भी धोएंगे हम अनेडेऊ के लिए बहुत सारी मछलियां भी पकड़ेंगे जब मैं रोबो का निर्माण करूंगी मैं रोबोटिक इंजीनियर बन जाऊंगी गोगो और मैं एक फायरवॉल यानी कंप्यूटर प्रणाली के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे वो कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणाली से अन्य लोगों की गोपनीय जानकारी को बुरे लोगों द्वारा चुराए जाने से बचाएगा मैं एक सुपर हीरो जैसी बन जाऊंगी अनेडेऊ को मुझ पर कितना गर्व होगा जब मैं कंप्यूटरों की सुरक्षा करूंगी तो मैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाऊंगी मैं समुद्र को साफ करने के लिए एक यंत्र बनाऊंगी और एक हवा को साफ करने के लिए भी सारे प्राणी स्वस्थ रह पाएंगे और लोगों को
सांस लेने में असुविधा नहीं होगी। मैं अपने यंत्रों से धरती की रक्षा करूंगी। जब मैं धरती को साफ करने के लिए यंत्र बनाऊंगी, मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर बन जाऊंगी। मैं पेमपेम के लिए एक नया कान बनाऊंगी। पेमपेम हमारा कुत्ता, उसका कान एक लड़ाई में कट जो गया है, गर्र। फिर मैं अनेडेउ के लिए नए दांतों का एक सेट बनाऊंगी। अंत में अपने लिए पंख भी बनाऊंगी। जब मैं शरीर के कृत्रिम अंगों का निर्माण करूंगी, तो मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर बन जाऊंगी। निर्माण करने के लिए और अधिक चीजों की तलाश में मैं धरती के ऊपर एक ऊंची उड़ान भरूंगी। बच्चों, इंजीनियर हमारी दुनिया की सभी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इंजीनियर हमारे आसपास की दुनिया के निर्माण की योजनाएं बनाते हैं, उनको आकार देते हैं और प्रारूप तैयार करते हैं। वे कंप्यूटरों, मशीनों, संरचनाओं और सामग्रियों का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। आपके घर में टेलीविजन का निर्माण किसने किया था? सड़कों पर कारों और बसों का, अस्पतालों में एक्सरे मशीन का। इन सब चीजों की योजना और निर्माण के पीछे इंजीनियर ही तो थे। कहानी खत्म। मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।